आप सभी को मेरा सादर जय श्री राम। जैन धर्म में सत्य और अहिंसा का बहुत बड़ा स्थान है। आज बहुत से जैन भाई बिना किसी स्वार्थ के बहुत चीजें त्याग करके जहां हो पड़े, जिसकी हो पड़े उतनी मदद कर रहे हैं। ये जो भावना है हमारी, ये मेरी भावना में बहुत ही अच्छी तरह बताई गई है। आज उसी मेरी भावना को प्रकट करने के लिए मैं और मेरे बहुत सारे मित्र हिंदुस्तान के अलग अलग एरिया से आपके लिए मेरी भावना की एक छोटी सी प्रस्तुति लाए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी और आपसे भी उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह इसको फॉलो करते हुए, इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए जगत का और जैन धर्म का नाम आगे बढ़ाएंगे और कल्याण करेंगे। सादर जय जय। जिसने राग द्वेष का मार्ग जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्क्रिय उपदेश दिया। वीर जिन हरि हर ब्रह्मा क्या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित उसी में लीन रहे। विषयों की आशा नहीं जिनमें साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश्चित तत्पर रहते हैं। सात त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रही सदा सत्य संगोनी का ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चरिया मिया चित सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को झूठ कभी नहीं कहा करूं, पधन वनिता पर न लुभाऊं संतोषामृत पिया करूं। का भाव न रखूं नहीं किसी पर खेद करूं, देख दूसरों की वर्ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। रही भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। मैं की भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार विरतों पर शोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हूँ नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषो पर जावे। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीओ या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा ही वे या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न बिगड़ने पावे। होकर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी नहीं घबरावे,
पर्वत नदी शमशान भयानक अटवी से नहीं भय खावे रहे अडोले अकंप निरंतर यह मन दृढ़तर बन जावे इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखला। तो जैसे मेरी भावना का नौ अध्याय सुखी रहे सब जीव जगत के कोई कभी न घबराए मेरे बाप अभिमान छोड़ जग नित्य में मंगल गा घर घर चल चला रहे धर्म की दुष्कृत दुष्कर हो जावे ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना अनुज जन्म फल सब पावे। इति भीति व्यापे नहीं जग में वृष्टि समय पर हुआ करे धर्मनिष्ठ हो करे राजा भी न्याय प्रजा का किया करे रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले प्रजा शांति से जिया करे परम अहिंसा धर्म जगत में फैले सर्वहित किया करे फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर कर रहा करे अप्रिय रुख कठोर सत नहीं मुख से कोई कहा करे बनकर सब युग वीर हृदय से देशों नति रहा करे वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे।